चलिए बच्चों स्टार्ट कर देते हैं भाई। सभी बच्चे फास्टली ज्वाइन करें बेटा, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, चलिए बेटा। हाँ, अमन अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर्यन वर्मा भी, ध्रुव, महक, बाकी सब, और सार्थक, सौरभ शर्मा, रितिका सब। बेटा अभी मैंने सृष्टि को भी देखा था। सृष्टि जल्दी से आप आ जाओ। महक, सृष्टि को बोलो जल्दी। मैं यही हूँ। अच्छा, सृष्टि यहीं पे है। मुझे सारे 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 बच्चे नजर नहीं आ रहे सर। हाँ ठीक है। हाँ चलिए बेटा, लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे एक बार मेरे को बता दें। देखिए जितना मेरे को याद है उसके हिसाब से हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया था, चैप्टर नंबर 15 की यूनिट कौन सी कर रहे थे हम। यूनिट फर्स्ट चल रही थी और यूनिट फर्स्ट में हाँ क्या था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा वो हाँ हमने तीन मेथड से मीन कैलकुलेट करना सीखा था बेटा। कौन कौन से मेथड्स थे वो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। ओके, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, अच्छा तीन मेथड नहीं, तीन सीरीज थी हमारे पास और दो मेथड कंप्लीट हुए थे, तीसरा मेथड मेरे को लग रहा है बचा हुआ था, है कि नहीं। सभी बच्चे बताओ मुझे, तीसरा मेथड बचा हुआ था ना अभी। चलिए yes, हाँ, तीसरा मेथड जो था हमारा वो था बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। ये अभी छूटा हुआ है आपका। दो मेथड में कंप्लीट कर चुका हूँ, कौन कौन से थे। डायरेक्ट मेथड एक था हमारा, कौन सा जल्दी से बताइए। हाँ डायरेक्ट मेथड और assumed mean method, वेरी गुड। और साथ ही साथ एक स्टेप डेविएशन मेथड बचा है, वो है हमारा थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड। ओके बेटा, तो आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलिए, तो स्टेप डेविएशन मेथड में मैं आपको बता चुका हूं बेटा, जो भी हमारी सीरीज मिलेगी स्टेप डेविएशन मेथड में वो हमें कौन सी सीरीज मिलेगी। अमन अली बार बार क्या सांप बन के सामने आ रहे हैं हाँ। चलिए तो कंटिन्यूअस सीरीज देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज हमें गिवन है बेटा, कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए इसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा, क्लास इंटरवल इसी तरीके से गिवन होगा 0, 10, 10, 20, 20, 30 और 30, 40। ओके, और यहाँ पे साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो है हमारा वो कुछ इस तरह से दिया है, 3, 1, 2 और 3, 1, 2, 4। ठीक है, चलिए हमारे पास में देखिए क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दोनों चीजें ही गिवन है, यानी एक कंटिन्यूअस सीरीज हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है बेटा, तो स्टेप डेविएशन मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ हम कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ही अप्लाई करेंगे। ओके, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ही अप्लाई किया जाएगा। ओके ध्यान रखिए, ना आप इंडिविजुअल मेथड के लिए अप्लाई करेंगे और ना ही आप दूसरा वाला जो मेथड सीरीज थी डिस्क्रीट सीरीज उसके लिए भी आप अप्लाई नहीं करेंगे। चलिए इसके बाद बेटा एक काम करो, जैसे ही हमारे पास क्लास इंटरवल होता था, क्लास इंटरवल की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, द वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यूज अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो x की वैल्यू जो आती है वो कैसे आती है हमारी, x इज इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, है ना। दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करके 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो लोअर लिमिट हमारी ये सारी वैल्यूज लोअर लिमिट है और ये सारी वैल्यूज हमारी अपर लिमिट है। ओके चलिए, तो अब x की वैल्यू जब आप इसके लिए निकालेंगे भाई 0 और 10 एज अ लोअर एंड अपर लिमिट, तो इसके लिए क्या आएगी x की वैल्यू, 10 अपॉन 2 है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 5। ओके वैसे ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा हमारा 25, ये आ जाएगा आपका कितना बेटा 35। ओके
तो x की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। उसके बाद में आपको बेटा क्या कैलकुलेट करना है, ये क्या होता है हमारा, देखिए x जो आपने कैलकुलेट किया है, x जो कैलकुलेट किया है इसमें आपको एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस सपोज मैं एज्यूम किसको एज्यूम कर रहा हूँ, 15 को एज्यूम कर रहा हूँ, इसको मैंने ए माना, ओके इसको मैंने ए माना। चलिए अब जो ए है हमारा, इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, इसकी हेल्प से हम तुरंत से डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। और डेविएशन क्या होता है, हाँ डेविएशन क्या होता है, डी जो होता है हमारा वो एक्स माइनस ए के इक्वल होता है। तो देखिए बेटा एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 में से आप 15 घटाएंगे तो कितना आएगा -10, ओके। फिर यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 15 है, 15 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। x की वैल्यू 25, इसमें से 15 घटाया तो 10। x की वैल्यू 35, इसमें से 15 घटाया तो 20। d की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, ओके। जैसे ही आपके पास d आ जाएगा उसके तुरंत बाद आपको पता है क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में हमें d की नहीं डी डैश की जरूरत होगी। डी डैश क्या होता है बेटा, वो देखिए डी डैश जो होता है हमारा ये एक्चुअली डी अपॉन आई के इक्वल होता है। अब आप कहोगे कि सर ये डी तो हमें पता चल गया क्या है, लेकिन ये आई क्या है, आई इज वॉट, आई क्या है बताइए जल्दी से, किसी को पता है आई क्या है बेटा, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स, हाँ डिस्टेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स वेरी गुड, आई इज द डिस्टेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स, डिस्टेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स, ओके वेरी गुड। चलिए तो जब हमें ये डिस्टेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स हमारे पास होगा तो इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, डी डैश कैलकुलेट करेंगे, और डी डैश की जो वैल्यू होती है वो डी अपॉन आई यानी इन दोनों का रेशियो होता है। तो अब बताओ मुझे, हाँ क्लास इंटरवल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपने देखा था डिस्टेंस बिटवीन क्लास इंटरवल क्या है, यहाँ पे 10 के इक्वल, क्योंकि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, आप किसी को भी ले लें, यहाँ पे हर किसी की डिस्टेंस सेम है, आई इज इक्वल टू 10, ओके। तो अब जब आप डी ओवर आई कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपका 2 आएगा, ओके। तो डी डैश की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद जो आपको कैलकुलेट करना होगा, देखिए एक्चुअली हम ये सारी चीजें क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, स्टेप डेविएशन में जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए प्लस समेशन ऑफ डी डैश एफ ओवर समेशन ऑफ एफ इंटू आई, एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है मीन का, ठीक है। तो जब हम इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं तो बेटा ये सारी वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए, ए ए हमने एज्यूम कर लिया था, ओके और यहाँ पे देखिए डी डैश एफ, ये हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए डी डैश एफ, डी डैश हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एफ भी हमारे पास है तो मल्टीप्लीकेशन भी इजिली कैलकुलेट कर ले, ओके और यहाँ पे जो सिग्मा एफ है ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, आई हमें पता चल गया। तो अभी हमारे पास क्या बचा है, अभी तक हम डी डैश पे पहुंचे हैं, तो अभी हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है बेटा, डी डैश और एफ कैलकुलेट करना है। तो देखिए एफ की वैल्यू यहाँ पे है और डी डैश की वैल्यू यहाँ पे है, अगर आप डी एफ डी डैश एफ कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -3, मल्टीप्लाई करनी है इनकी जस्ट, तो 1 और 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0, 2 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 2, 4 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा हमारा 8, ओके। तो अब देखिए समेशन ऑफ डी डैश एफ हमें चाहिए था बिकॉज फॉर्मूले में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो अब देखिए बेटा समेशन कैसे आएगा इसका, समेशन कितना आएगा -3, 0, 2 और 8 का 7, वेरी वेरी गुड, 7, 7 के इक्वल ये हमारा बनता है, तो भाई ये हो गया हमारा 7, वेरी गुड। तो अब हम आगे अगर देखिए, अब हमारे पास सफिशियंट चीजें हैं, अभी हमने सम ऑफ एफ कैलकुलेट नहीं किया, तो सम ऑफ एफ जो आएगा वो कितना आएगा 3, 1, 4 and 4, 8 and 2, 10, ये तो हमेशा हमारा 10 ही आ रहा है,
एक्चुअली हमने नंबर्स ही ऐसे लिए हैं, चूज ऐसे ही किया है, ठीक है। ये डिफरेंट भी आ सकता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम आएगा हमेशा। तो x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या मानी थी 15 प्लस समेशन ऑफ d डैश f, हमारा अभी 7 आया और ये हमारा 10 आया, और मल्टीप्लाई i की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 10। ओके तो आपने देखा 15 प्लस 7 अपॉन 10, देखिए 10 से 10 कट जाएगा तो ये 7 ही बचेगा। ओके तो ये 7 हुआ और 15 और 7 हमारे 22 होते हैं। तो आपने देखा इस बार भी हमारा जो मीन आया है वो किसके इक्वल आया है, 22 के इक्वल आया है। तो किसी भी मेथड से आप मीन कैलकुलेट करें बेटा, वो ऑलवेज आपका सेम ही आने वाला। ओके सभी को समझ आया बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए समझ आ गया है। अब देखिए अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड में, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपके सामने है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड से ही। मैं आपको क्लास इंटरवल दे रहा हूँ, ओके क्लास इंटरवल जो है आपका वो है 10, 20, 30, 40 और यहां पे आपका 40, 50। ओके क्लास इंटरवल आपके पास है और फ्रीक्वेंसी भी मैं आपको दे रहा हूं। फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास बेटा, मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ 4, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 5 एंड साथ ही साथ 7, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अब जल्दी से आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, बाय स्टेप डेविएशन मेथड आपको क्या सॉल्व करना है बेटा, मीन कैलकुलेट करना है। ये आपके पास क्वेश्चन है, सभी बच्चे क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ओके अमन अली आप कुछ कह रहे हैं बेटा? तो ऊपर वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। अच्छा इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, चलिए मैं इसको आपके सामने रख देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा और साथ ही साथ जो मेथड है इसमें ये कैलकुलेट करने होंगे। ओके चलिए अब स्टार्ट हो जाइए सभी बच्चे और अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। आपके पास सिर्फ 2 मिनट्स का टाइम है। कितना आया बेटा? 31.4। ये आंसर किसका था? पॉइंट मार सकता है? सार्थक का। ओके सार्थक आपका ये आंसर था, ठीक है। और किसी का आया? महक का भी आ गया है आई थिंक सर, 29.28। ओके वेरी गुड, कुछ तो डिफरेंट आया। 29.28 फॉर्मूला दिखाना एक मिनट सर, 29.28 सर फॉर्मूला फॉर्मूला चेक कर लीजिए बेटा, 29.2। सृष्टि का भी सेम आंसर है जो कि महक का है, मतलब यही सही है। एक मिनट फॉर्मूला दिखा दो, एक मिनट प्लीज। अच्छा एक मिनट फॉर्मूला दिखा दो, लीजिए बेटा फॉर्मूला देख लीजिए आप। ओके
सर 29.28 ये किसका आया? अमन अली का. यस सर. तो 29.2 यानी हाँ महक और जो स्टेस्टी है दोनों का सेम आया है. तो आपका भी सेम ही आया है बेटा. बस अभी तक एक आंसर डिसमैच है. चलिए ध्रुव. हाँ ध्रुव, ओजस्विनी, रितिका, रितु, आपके कोई आंसर आए बेटा? सर 29 पॉइंट. हाँ 29.2. चलिए भाई अब एक बार हम भी चेक कर लेते हैं इसे. अब मेरे से रहा नहीं जा रहा क्योंकि एक बच्चे का आंसर कुछ अलग आया है और वो ये भी नहीं कह रहा है कि सर मेरी कुछ गलती हो गई है इस वजह से इसमें कुछ गड़बड़ी थी. तो चलिए बेटा देख लीजिए जिसका सर, नहीं हुआ है वो सब देखें. हाँ महक सर एक बार चैट बॉक्स देख लो. एक बार चैट बॉक्स देख लें. अच्छा अरे सभी बच्चों ने यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं. चलिए बहुत बढ़िया. तो सभी का हो गया है कुल मिला के. चलिए फिर हम अब आगे बढ़ते हैं बेटा. आप लोग सब कर चुके हैं इस क्वेश्चन को. अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बेटा मुझे बताएं, एक बार इन्फॉर्म करें. चलिए तो देखिए बेटा हम लोगों ने मीन कैलकुलेट करने के तीनों मेथड्स कवर कर लिए हैं. अब हम जो आगे बढ़ने वाले हैं वो मीडियन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं. ठीक है, मीडियन हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, मीडियन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे. ओके मीडियन अब जो स्टार्ट हो रहा है आपका. ये स्टार्ट हो जाता है बेटा मीडियन. ओके चलिए भाई मीडियन क्या है हमारा. मीडियन का मतलब जो होता है ये है हमारा बेटा मिडिल मोस्ट वैल्यू. मिडिल मोस्ट वैल्यू. ओके अब मान लो हमारे पास कोई भी एक डेटा दिया हुआ है हमें इस तरह से, जैसे एक्स की वैल्यूज हैं वो हमें कुछ इस तरह से एक सीरीज गिवन है बेटा. इंडिविजुअल सीरीज हम कह सकते हैं वो हमारी इस तरह से गिवन है 8, 7, 3, 2, 8, 7, 3, 2, 15, 17 and 20. ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात. ठीक है तो यहाँ पे हमें एक सीरीज गिवन है जो कि इंडिविजुअल सीरीज है बेटा और आपको ये इसका मीडियन कैलकुलेट करना है. तो आपको मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सब देख लीजिए एक बार. सबसे पहले हमें इस सीरीज को अरेंज में लिखना है. ओके एक अरेंजमेंट होना चाहिए चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर का हो चाहे वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर का हो. ओके आप आपको एक आदत होनी चाहिए जैसे भी आप अरेंजमेंट कर रहे हैं आपका कैसा अरेंजमेंट आप लेना चाहते हैं आपको एक आदत होनी चाहिए बस, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखें. ओके तो मेरे को आदत है असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की. तो मैं सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखूंगा उसके बाद उससे बड़ी उसके बाद जो होगी उससे बड़ी होगी उसके बाद जो होगी उससे बड़ी होगी. ऐसा लग रहा है पता नहीं सांस चढ़ गया इतनी सारी वैल्यूज आ गई. हाँ तो देखिए बेटा जो हमारी पहली वैल्यू हम लिखेंगे x की. देखिए मैं सबसे पहले इसका अरेंजमेंट लिखूंगा. सबसे पहले मैं इसे अरेंज करूंगा. जो भी मेरा ऑर्डर होगा वो मेरा असेंडिंग ऑर्डर होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा x की जो वैल्यूज आएंगी सबसे पहले आप देख रहे हैं
सबसे छोटी वैल्यू टू है यहाँ पे, तो आप टू लिखेंगे। उसके बाद थ्री दिख रही है तो आप थ्री लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, सेवन, आप सेवन लिखेंगे। उसके बाद आपको एट नजर आ रहा है तो एट लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको फिफ्टीन नजर आ रहा है इससे बड़ा, तो फिफ्टीन, फिर सेवनटीन एंड देन ट्वेंटी। ओके, तो आपने यहाँ पे अरेंजमेंट में लिखा, और जो कि हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर है। ओके, चलिए अरेंजमेंट आप कर चुके हैं, तो इसमें अगर हम मीडियन कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए बेटा, मीडियन की जो हमारी इसके लिए हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन जो होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखिए जो मीडियन होगा हमारा, जब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि यहाँ पे इसमें टर्म कौन सी होगी। तो टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ देखेंगे जो फॉर्मूला होगा बेटा, वो होगा हमारा जो टर्म का फॉर्मूला है कि टर्म कौन सी होगी। ओके, उसके लिए आप क्या करेंगे, एन प्लस वन अपॉन टूथ टर्म, ये हमारी टर्म इसमें आएगी। ओके, चलिए तो एन प्लस वन अपॉन टूथ टर्म, तो इसमें टर्म कैलकुलेट करने के लिए बेटा आप देखिए एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देखें एन जो होगा हमारा वो नंबर ऑफ ये सारे के सारे आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सेस क्या क्या है, सेवन, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, तो एन की वैल्यू यहाँ पे हमारी सेवन होगी। तो एन की वैल्यू जो हमारी सेवन है आप इसमें रखें, फॉर्मूले में रखें, तो ये आ जाएगा हमारा सेवन प्लस वन अपॉन टू, इसका मतलब क्या हुआ, ये एट बाई टू, और इसका मतलब ये आया फोर्थ टर्म। ओके, तो ये हमारी फोर्थ टर्म होगी। तो अब मुझे ये बता दो एक बार कि फोर्थ टर्म जो है इसमें कौन सी है, आपके असेंडिंग ऑर्डर जो आपने लिखा था, फोर्थ टर्म हमारी कौन सी है बेटा, एट। तो यही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीडियन कैलकुलेट करना कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो इसके लिए जो हमारा मीडियन होगा वो हुआ एट। मीडियन हम कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा, मीडियन इज इक्वल टू हो गया हमारा एट। बात समझ आई सभी को? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको खुद से करना है। ओके, चलिए खुद से करना है, ध्यान रखना बेटा खुद से। हाँ चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बेटा क्वेश्चन है आपके सामने, एक्स जो हमें गिवन है वो ऐसे गिवन है, थ्री, नाइन, इलेवन, एट, फिफ्टीन एंड सेवन, एंड सेवन। चलिए जल्दी से स्टार्ट हो जाइए बेटा सभी बच्चे, फास्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपके पास सिर्फ टू मिनट्स हैं, जल्दी से सॉल्व करें। एट टर्म, आठ वाली, इसमें क्या है, क्या कहा मन आपने, एट, एट टर्म, इसका मीडियन एट है, मीडियन एट है। अच्छा, आपने फाइनल आंसर बता दिया अपना इतनी जल्दी विदाउट कैलकुलेटिंग, आपका ये आंसर है एट मीडियन। Yes, नहीं बेटा, yes, ऐसे नहीं बता सकते, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए, मीडियन ऐसे कैलकुलेट नहीं होता। No, sir, हाँ? मैंने कैलकुलेट अपनी आँखों में। अच्छा, आँखों से कैलकुलेट कर दिया, वाओ, आपकी आँखों का जादू। आपकी आँखों का जादू। हाँ? सही yes, है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बताए अपना आंसर, भाई अमन अली का तो आ चुका है, अमन अली का आंसर जो है वो एट है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे करें फास्टली,
हो गया या नहीं? मुझे नहीं लगता आज किसी से होगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था, हाँ महक सर इसमें टर्म ना पॉइंट में आ रहे, तो समझ नहीं आ रहा कैसे लेंगे। यस यस यस, मैंने इसी वजह से आपको ये वाला क्वेश्चन दिया बेटा। हम थोड़ी करेंगे, हाँ 3.5 है तो 3 और 4 में इंक्लूड होगा बीच में। हाँ, इसमें इवन है तो इसमें प्लस थोड़ी करेंगे सर। 3.5 है ना, तो ये 3.5, देखिए आपने बिल्कुल सही निकाला महक, 3.5 ही इसका आंसर आएगा। और साथ ही साथ जैसे ही हमारा ये टर्म जो 3.5 आ जाता है, तो हम 3.5 फिफ्थ टर्म कैसे ढूंढे, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप मेथड देख लीजिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा भाई, अरेंज किया होगा इसको। आप जब x को अरेंज करेंगे तो आप देखें सबसे पहले 3 लिखा जाएगा, उसके बाद 7, फिर 8, फिर 9, फिर 11, और फिर हमारा क्या आ जाएगा 9 11, और फिर क्या बचा, 1 2 3 4 5 और ये 15। चलिए तो x की वैल्यू आपकी जो आई वो 3, 7, 8, 9, 11 एंड 15 आ गई है बेटा। तो इसके बाद आपने क्या किया होगा, सबसे पहले आपने n कैलकुलेट किया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू हमारा 6 है, आपने इन्हें काउंट किया कितने x's हैं हमारे पास, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 आया। तो उसके बाद में हमें टर्म कैलकुलेट करनी पड़ती है, कौन सी टर्म है। देखिए अगर हमारे पास टर्म, देखिए n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है और n जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, देखिए 6 जो है वो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में ऐसा ही होगा कि वो पॉइंट में आएगा कोई नंबर। इससे पहले जो था हमारा n इज इक्वल टू 7 था, वो एक ऑड नंबर था, फिर जब ऑड नंबर में हम 1 ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो वो एक इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर हमारा कोई ना कोई एक टर्म तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ये इवन नंबर खुद ही होगा तो इसमें 1 ऐड करने के बाद में ये ऑड बन जाएगा, और ऑड नंबर में जब हम 2 का डिवाइड करते हैं तो वो एक पॉइंट में आता है, ओके। तो आपको वो पॉइंट वाली टर्म कैसे कैलकुलेट करनी है बस यही देखना होगा। चलिए तो टर्म इज इक्वल टू जो होगी, टर्म का फॉर्मूला हमारा n प्लस 1 अपॉन 2 है ये वाली टर्म, ओके। तो आपने देखा जब n की वैल्यू रखी तो n की वैल्यू है हमारी 6 और इसमें 1 ऐड होगा तो इसमें 2 का डिवाइड हुआ तो इसने भी टर्म आ गई। अब मुझे ये बता दो बेटा ये 7 अपॉन 2 आ गया, अब 7 क्या है हमारा एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में जब हम 2 का डिवाइड करते हैं तो ये हमारा पॉइंटों में आता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पॉइंट यानी 3.5 में, ओके। अब ये वाली टर्म हम कैसे कैलकुलेट करें, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसी टर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसके लिए तरीका देखें बेटा, देखिए यहाँ पे जो हम टर्म कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो टर्म होगी वो एक्चुअली किसके इक्वल होगी, देखिए 3.5 है ना, तो इसका मतलब 3.5 में आपको दिख रहा होगा पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है वो क्या है 3, तो इसको लिखें थर्ड टर्म, ठीक है। और आगे भी अभी यहीं पे नहीं छोड़ना, अभी आगे करना है जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है यानी डेसिमल पार्ट, उसके लिए आप क्या करेंगे 0.5 इंटू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला होगा, ओके बेटा। तो यहाँ से आप जब टर्म कैलकुलेट करेंगे तो ये कौन सी आएगी, अब देखिए थर्ड टर्म आपकी क्या है, थर्ड टर्म जो है आपकी वो आप यहाँ पे लिखें, ये आएगा आपका, देखिए जब हम मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमने ये वाला मेथड अपनाया बेटा, ओके। तो यहाँ पे जो मीडियन आएगा हमारा उसके लिए ये फॉर्मूला होगा, मीडियन जो होगा हमारा उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होगा। थर्ड टर्म आपके पास है, फोर्थ टर्म भी आपके पास है, और थर्ड टर्म जो आप घटाएंगे वो भी आपके पास है, जस्ट आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मीडियन आपका आ जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए थर्ड टर्म हमारा कौन सा है, थर्ड टर्म देखें आप, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड है हमारा 8, तो आप 8 रखेंगे बेटा, 8 आया प्लस, उसके बाद में 0.5 आपको ऐसे ही रखना है, फिर आपको क्या करना है फोर्थ टर्म कौन सा है 9,
नाइन में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, एट टर्म, एट टर्म जो है हमारा वो क्या है एट, एट आप इसमें से थर्ड टर्म को आप जैसे ही आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा इसके इक्वल और ये होगा एट प्लस 0.5। नाइन में से जैसे ही आप वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा वन के इक्वल और जैसे ही आप 0.5 की वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 ही रहेगा, सॉरी 0.5 ही रहेगा और 0.5 को जब 8 में ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा 8.5। तो ये आपका मीडियन होगा, फाइनली मीडियन जो होगा आपका वो ये होगा, ओके। और ये आपका किसका फॉर्मूला है बेटा, मीडियन का फॉर्मूला। सभी को समझ आया कि नहीं, यानी जिस केस में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स एक इवन नंबर होता है तो उस केस में हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आप देखिए, अगर आपके पास मान लो आपके पास 4.5 आता, ठीक है, मान लो आपके पास क्या आता बेटा 4.5 आता, जब आपने ये टर्म कैलकुलेट किया कि कौन सा टर्म आने वाला है तो 4.5th टर्म दिखा रहा है, तो उस केस में इसका मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसके लिए आप डेसिमल पार्ट जो है देखिए, उससे पहले ये डेसिमल से पहले क्या आ रहा है, 4 है, आप ऐसे रखेंगे यानी फोर्थ टर्म आपको लिखना है, ठीक है, फिर प्लस पॉइंट के बाद में आपका क्या आ रहा है मतलब 5 आ रहा है, तो ये 0.5 आपको ऐसे ही रखना है और ये फोर्थ के आगे जो आपकी टर्म है वो कौन सी है, फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है फोर्थ टर्म को, ओके, फोर्थ टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आपका जो आएगा वो मीडियन आपके सामने होगा, ओके। बात समझ आ गई सबको, समझ आया कि नहीं? Yes. ओके, चलिए अब हम एक काम करते हैं बेटा, इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमने दो क्वेश्चंस देखे जिसमें हमने देखा कि इवन नंबर, अगर कोई टर्म हमारी इवन नंबर n इज इक्वल टू इवन नंबर आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे मीडियन निकालेंगे, ऑड आता है तो कैसे निकालेंगे, हमें ये समझ आ चुका है। उसके आगे अगर हम बढ़ें तो उसके आगे अब देखिए बेटा, ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास ऑलवेज इंडिविजुअल सीरीज ही होगी, आपके पास एक कंटिन्यूअस सीरीज भी हो सकती है और साथ ही साथ डिस्क्रीट सीरीज भी हो सकती है। तो डिस्क्रीट सीरीज के केस में आपको कैसे करना है ये बताइए जल्दी से भाई। डिस्क्रीट सीरीज मैं आपके सामने लिख रहा हूँ बेटा, जिसमें एक्स और एफ होते हैं, है ना, एक्स की वैल्यूज भी होती है और फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो इसके केस में हमें क्या करना है, देखिए एक्स जो है आपके ये गिवन है इस तरह से भाई, एक्स की वैल्यू आपको 3 गिवन है, 8 गिवन है, साथ ही साथ 7, 8, 7, 9, 2 and 11, ओके। और जो एफ की वैल्यूज गिवन है आपके पास 4, 3, 2, 5, 7 and 3, ठीक है बेटा, ये आपके पास एक ऐसी सीरीज गिवन है जिसमें आपको देखिए बेटा एक्स और एफ की वैल्यूज गिवन है, तो ये हमारी कौन सी सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे जल्दी से एक बार देख लीजिए, उसके बाद में आप खुद से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। चलिए भाई, सबसे पहले देखिए, जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अरेंजमेंट होना चाहिए एक्सिस का, या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो। तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो ये मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख रहा हूँ, तो देखिए एक्स जो आएगा मेरा अरेंजमेंट, अगर हम इसका देखें अरेंजमेंट जो इसका हम करेंगे, तो बेटा एक्स की जो वैल्यूज होंगी हमारी, सबसे पहले आप देखें 2 है हमारा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 3 है, फिर उससे बड़ा हमारे पास 7 है, फिर उससे बड़ा 9 है, नहीं 8 है, फिर उससे बड़ा 9 है, फिर उससे बड़ा 11, ठीक है, x की वैल्यूज आपके पास ये है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखा। बात समझ आई आप सभी को?
चलिए f की वैल्यूज जो होंगी, f की वैल्यूज क्या होंगी हमारी, अब देखिए आप ऐसा ना करें कि f की वैल्यूज ऐसे लिख देंगे, 2 के साथ में देखिए 2 के साथ में 2 के करस्पोंडेंस जो भी वैल्यू थी आप वो ही लिखेंगे, ओके। ऐसा नहीं कि इसे भी आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे कि 2 पहले आ गया, 3 पहले आ गया, 4 बाद में आ गया, फिर 5, फिर 7, फिर ये सब ऐसा नहीं, ठीक है बेटा। 2 के करस्पोंडेंस जो भी वैल्यू है आपकी एफ में, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी है, आप सेम वही लिखेंगे। 2 के सामने क्या है, 7, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे 7 आया। 3 के सामने क्या है, 4, तो इसका मतलब 4 आया। 7 के सामने क्या है, 2, तो फिर हमारा 2 आया। उसके बाद में 8 के सामने क्या है, 3, तो अब आप 8 के सामने 3 लिखेंगे। फिर 9 के सामने 5, और फिर 11 के सामने क्या है हमारा, 3, ओके। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज हमको वही डालनी है जो ऑलरेडी हमें गिवेन है, ठीक है। बस हमें असेंडिंग ऑर्डर किसका लिखना है, एक्सेस का, ओके। अरेंजमेंट जो लिखना है वो एक्सेस का लिखना है, और साथ ही साथ जो उसके करस्पोंडेंस वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, वो आप उसके साथ में लिखेंगे, ओके। फ्रीक्वेंसी को आप ऐसा ना करें कि सबसे पहले सबसे छोटा वाला, उसके बाद में उससे बड़ा वाला, वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा, वो 2 की गिवन है। ये जो f गिवन है वो 2 के लिए गिवन है, तो आप उसके बाद में 2 के लिए 2 कैसे लिख सकते हैं, हाँ गड़बड़ हो जाएगी ना। चलिए तो आपने अरेंजमेंट तो बेटा इसका बना लिया है। अब देखिए, जैसे ही आपके पास कोई ऐसी सीरीज होगी जो कि हमारी डिस्क्रीट सीरीज है, तो उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी होगी। अब देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम सी एफ से दिखाते हैं, इसका हम शॉर्ट में सी एफ लिखते हैं बेटा। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, देखिए सबसे पहले आप देखें 7 है आपका, तो यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 ही रहा पहली बार में 7। उसके बाद में 7 में जैसे ही आप 4 ऐड करेंगे, तो 7 में 4 ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या आएगा बेटा 11। जो 11 आया, 11 में 2 ऐड कर दीजिए, 2 आया, हाँ 2 ऐड किया तो आपका 13 आया। फिर 13 में आप 3 ऐड कर दीजिए, कौन सा 3, ये वाला 3, ठीक है। 3 ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और फिर 16 में आपको 5 ऐड करना है, तो 16 + 5 ये आपका 21 हो जाएगा, और फिर आपको 21 में 3 ऐड कर देना है, तो ये आपका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 24, ओके। बात समझ आई। अब देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी होती है ना हमारी, वो एक यहाँ पे ये फाइनल नंबर जो आया, आप इसे ही देख के तुरंत से बता देंगे कि ये हमारा समेशन ऑफ एफ है, समेशन ऑफ एफ यानी 24। बात समझ आई, समेशन ऑफ एफ जो होगा वो आपका 24 होगा। और इन दिस केस देखिए बेटा, इन दिस केस आपकी एन की जो वैल्यू होगी वो आपकी समेशन ऑफ एफ के इक्वल होगी। देखिए अभी जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, तो आपने देखा होगा मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज हो रहा था वो n+1/2, वो ये वाली टर्म हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसके लिए हमें n की जरूरत पड़ रही थी। n क्या होगा, इस बार n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, जो इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम n कैलकुलेट करने के लिए नंबर्स को काउंट करते थे कि हमारे कितने एक्सिस गिवन है, लेकिन इस बार हम नंबर्स को काउंट नहीं करेंगे। n जो होगा हमारा वो समेशन ऑफ f होगा, ओके, समेशन ऑफ f। तो ये हमारा 24 के इक्वल आया। चलिए बहुत बढ़िया, समझ आ गया ना सभी को, समझ आ गया ना बेटा। चलिए जब हमारे पास n की वैल्यू होगी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर चुके हैं हर किसी के करेस्पोंडेंस, तो अब मुझे ये बताइए समेशन ऑफ जब आपके पास f होगा, तो देखिए मीडियन जो होगा आपका, मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा, पहले हमें टर्म्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, कौन सी टर्म आएगी मीडियन के लिए। तो देखिए बेटा टर्म कैलकुलेट करें, टर्म जो आएगी आपकी वो क्या आएगी, फॉर्मूला तो n+1/2 ही है इस बार भी, ओके। तो इतने भी टर्म n+1/2th टर्म, तो अब मुझे ये बता दीजिए n की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, 24 + 1/2,
टू, ओके। तो 24 प्लस 1 अपॉन 2 जो होगा आपका वो किसके इक्वल आएगा, 25 अपॉन 2 के इक्वल, और ये आएगा आपका 12.5, ये भी टर्म आएगी। तो अब ये वाली टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, फिर से देखिए यहाँ पे फिर से हमारा पॉइंट में आ गया, यानी अब देखिए 13वीं अगर कोई हमारी टर्म है, 6वीं 7वीं 5वीं, ये टर्म तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है हमारा 12.5th टर्म, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से वही मेथड, फिर से वही मेथड। अच्छा कौन सा मेथड बेटा, फिर से वही मेथड नहीं लगाएंगे आप, देखिए अब 12.5th टर्म जो आएगी आपकी वो कहाँ आएगी, आपको यही बता देगा जो हमने ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है ना, वो ही बता देगी आपको। अब देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 30, जो कि 12.5 से बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मीडियन होगा आपका, देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए 12.5 से बड़ा, जस्ट बड़ा कौन है 12.5 से, ये वाला 13 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए एक्चुअली क्या होगा, जब आपने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की थी तो आपने 11 में 2 ऐड किया था, 11 में 2 ऐड किया था, तो 11 से लेके 13 तक जो भी आपका कोई भी टर्म पूछा जाए, 12.5th टर्म या फिर 12th टर्म या फिर 13th टर्म भी पूछ ले, तो इसका मतलब ये है कि हमारा यही बॉक्स सफिशियंट है आपको क्या बताने के लिए बेटा, मीडियन बताने के लिए। ठीक है बात समझ आई, तो यहाँ पे हमारा 12.5th टर्म जो आएगा वो यहाँ आएगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 12.5 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। देखिए 13 में जो हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 13 है, और जो हमने टर्म फाइंड आउट की वो 12.5 है, तो ये जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 12.5 को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है तो अब मेरे को ये बता दीजिए बेटा कि आपका मीडियन जो होगा वो क्या होगा, मीडियन जो होगा आपका वो एक्स की वैल्यूज ही होगी, एक्स की वैल्यू ही होगी कोई ना कोई। तो देखिए इसके कोरस्पोंडेंस जो आपका एक्स की वैल्यू है वो क्या है, 7, और ये 7 हमारा मीडियन होगा। ओके 7 जो होगा हमारा मीडियन होगा, बात समझ आई कि नहीं आई। देखिए 12.5 को हम वेरीफाई करेंगे किसमें, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसको हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई किसमें करेंगे बेटा, दिस विल बी वेरीफाइड इन, किसमें वेरीफाई करेंगे हम, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि ये हमारा कहाँ पे आ रहा है। ओके तो यही हमें मीडियन बता देगा, बात समझ आ गई आपको, एक बार देखें सभी ध्यान से, एक बार सभी इसे ध्यान से देख लें, अगर किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज आस्क मी अगेन, समझ आ गया बहुत बढ़िया। चलिए भाई अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमने डिस्क्रीट सीरीज अभी ली थी, डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको करना है और आपको मीडियन ही कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। आपके पास सामने बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें एक्स की वैल्यूज हमें कुछ इस तरह से दी हुई है, क्या बेटा 5 1 3 2 8, ओके और एफ की वैल्यूज जो है हमारी वो ये है कि 5 टू टाइम्स हमारा रिपीट कर रहा है अपने आप को, 1 हमारा 3 टाइम्स और 3 हमारा 1 टाइम और यहाँ पे 2 जो है वो 8 टाइम, नहीं ज्यादा हो जाएगा, चलिए 4 टाइम, और ये जो 8 है वो हमारा फिर से 3 टाइम अपने आप को रिपीट कर रहा है। आपके पास एक कैसी सीरीज है बेटा, आपको दिख रही होगी ये कैसी सीरीज है, एक डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज है आपके सामने। तो आप जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मीडियन क्या होगा, मीडियन व्हाट विल बी, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, आपके सामने एक डिस्क्रीट सीरीज है, कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले हम सीरीज को कैसे लिखते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए बेटा। आपके पास 5 वैल्यूज हैं यहाँ पे, 5 1 3 2 एंड 8, जल्दी से कीजिए।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको सभी को निकालनी ही पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है वो आपको निकालनी ही पड़ेगी। जल्दी से कैलकुलेट करें सभी। सर जी बेटा, सर टर्म ना 3 आ रही है, तो 3 से जस्ट बड़ा लेंगे या 3 लेंगे? 3 से जस्ट बड़ा। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करें बेटा कि 3 हमारा किसके करस्पोंडेंस आ रहा है। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 3 भी आ रहा है और 3 से बड़ा भी आ रहा है। 3 से बड़ा भी आ रहा है, तो जब 3 आया था आपका वो कब आया था? जब आपने 2 में क्या ऐड किया? 1 ऐड किया। यस सर। अच्छा, तो अब देखिए आपका 3 भी आ रहा है, तो 3 में जब हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है, और अगर आपका 3 आ रहा है डायरेक्टली, तो इसका मतलब 3 वाला ही होगा, 3 के सामने वाला ही x की वैल्यू होगी, यानी वही हमारा मीडियन निकल के आएगा। हां, तो मीडियन इक्वल्स टू 1। यस, तो मीडियन इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाए। चलिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को कर देता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ क्या आ रहा है। मैंने ये क्वेश्चन ऐसे ही आर्बिट्रेरीली आपको दे दिया है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अरेंजमेंट अरेंज में लिखेंगे इसको, कौन सा अरेंजमेंट होगा वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए एक्स की वैल्यू जो होंगी हमारी, पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 एंड फिर 8। ओके, करेस्पोंडेंस इनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो भाई करेस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी 1 के सामने क्या है बेटा, 3, तो यहाँ पे 3 आया। 2 के सामने 4, तो 2 के सामने 4 आ गया। उसके बाद में हमारा क्या है, 3 के बाद 3 के सामने 1 है, तो ये 1 आ गया। उसके बाद क्या है, 5 के सामने 2, और ये है फिर 8 के सामने 3। इतना काम करने के बाद हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो कैसे आएगी, आप 3 ऐसे ही लिखें, पहले वाला 3 ऐसे ही रहेगा, उसके बाद में 3 में 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा 7 आएगा, फिर 7 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा 8 आएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा बेटा, 8 में 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 8 और 2, इसका मतलब 10 आ गया, और ये हमारा 10 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 13। तो इसका मतलब समेशन ऑफ f अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 13 ही आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। ओके, और ये ही हमारी n की वैल्यू होगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, n इज इक्वल टू 13 है आपका। ओके, n इज इक्वल टू 13। यस, इस बार महक ने गलती कर दी। महक, आपने n की वैल्यू को 5 लिया था ना? यस सर। अब आपको समझ आ गया, चलिए अच्छा है मैंने ये वाला क्वेश्चन कर दिया। तो n की वैल्यू को आपने 5 ले लिया था, एक्चुअली आपने वैसे ही काउंट कर लिए थे, उसके लिए मैंने आपको मना किया था। जब भी आपके पास डिस्क्रीट सीरीज हो आप इस तरह से काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के लिए ही काउंटिंग करके हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 13 है। अब देखिए, जैसे ही आपके पास n आया आप टर्म कैलकुलेट करेंगे, कौन सी टर्म होनी चाहिए आपकी, तो टर्म जो होगी वो n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म होती है। ओके, तो जब आप n की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 13 प्लस 1 अपॉन 2, और ये आता है हमारा 14 अपॉन 2, जो कि हमारा 7th टर्म आया, 7th टर्म। अब देखिए बेटा, आप इसे कहाँ वेरीफाई करेंगे, 7th टर्म को आप वेरीफाई करेंगे इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वेरीफाई इट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आएगा, देखिए बेटा 7 जो आएगा हमारा वो कहाँ आएगा, देखिए 7 जो है आपका वो कहाँ है, 7 कहाँ आ रहा है आपका, दिख रहा है आपको 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है, 3 प्लस 4, 3 से लेके आप जब ऐड करेंगे 4 उसमें, तो 7 आ जाएगा, या फिर इसके बीच का भी अगर कोई नंबर होता है तो वो हमारा 7 ही होगा। ओके, मान लो यहाँ पे आपका जो टर्म आया था वो 6.5 आता तो भी उसके लिए यही रहता, क्यों, क्योंकि 3 से लेके 4 जब आप इसमें ऐड करेंगे 4 तक, तो आपका 6.5 इसी के अंडर आएगा। ओके, तो आपका जो मीडियन हुआ यहाँ पे आपका 2 निकल के आएगा। ओके, 2 जो है हमारा वो x की वैल्यू है, आप देख सकते हैं x की वैल्यू ही हमारा कोई मीडियन होगा, तो दिस इज मीडियन 2। बात समझ आई सभी को, कोई डाउट तो नहीं है बेटा?
किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया, चलिए तो मीडियन यहाँ पे हमारा 2 निकल के आ गया। अब हम एक काम करते हैं, हाँ अब हम एक काम करते हैं बेटा, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए अब हमारे पास टाइम है, अभी थोड़ा 10 मिनट का टाइम है, तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए और देख लेते हैं कि हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके तो अब की बार हम जो देखेंगे वो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना। चलिए भाई, कंटिन्यूअस सीरीज जो होती है आपकी उसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है, मैंने आपको बता दिया है ना बेटा पहले ही, क्लास इंटरवल गिवन होगा तो 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 और 30 से लेके 40, आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वो है 3, 2, 4 एंड 1, ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी है आपके पास और क्लास इंटरवल भी है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, जल्दी से देखिए एक बार, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगी हमारी वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए इस बार हमें कुछ भी अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्लास इंटरवल होता है ना, जब हम एक्स की वैल्यूज निकालते हैं तो आप देखते हैं कि क्लास इंटरवल में जब हम एक्स की वैल्यूज निकालेंगे तो वो एक अरेंज ऑर्डर में ही आएंगी, असेंडिंग ऑर्डर में ही आएंगी। देख लीजिए आप, 0 और 10, 0 और 10 का आप सम करेंगे, उसके बाद 2 का डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 10 और 20 को ऐड करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, फिर आपका 25 आएगा, फिर आपका 35 आएगा, तो वो खुद से ही आपका कैसे आ रहा है, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपका खुद से ही एक असेंडिंग ऑर्डर में आएगी। ओके तो इस बार हमें कुछ भी अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्या फाइंड आउट करें, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। ओके और यहाँ पे आप देखें बेटा, जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो क्या फॉर्मूला यूज होगा मीडियन का, वो एक बार देख लें, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा यानी मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होगा वो होगा एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस, ओके और डिवाइडेड बाय एफ और मल्टीप्लाई आई। अब देखिए आपको पता है बेटा ये जो आई है वो क्या है हमारा, ओके आपको ऑलरेडी पता है वो आई हमारा क्या है, आप सभी जानते हैं ना आई क्या है, एल क्या है, एल नहीं पता होगा आपको, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है आपका, आपको ये नहीं पता होगा व्हाट इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, नहीं पता होगा ना प्रीवियस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए एस एफ का मतलब, सी एफ का मतलब है प्रीवियस, एक मिनट, सी एफ नहीं, सी एफ का मतलब तो होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और सी एफ पी अगर आपको नजर आ जाता है तो ये है हमारा प्रीवियस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल इज, एल जो है वो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, ओके एन बाई, देखिए एन जो है हमारा वो क्या होगा वो आपको पता होगा, एन तो हम उससे निकाल लेते हैं, किससे, समेशन ऑफ f से, n is equal to summation of f होता है। ठीक है बेटा, n is equal to summation of f होता है, और c f p जो होता है वो मैंने आपको बताया previous cumulative frequency, बहुत ही ध्यान से देखना बेटा, अगर आपने जरा सा भी ध्यान भटकाया तो आपको कुछ समझ नहीं आ पाएगा इस वाले क्वेश्चन में, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ऑलवेज मैं समझाने की गारंटी देता हूँ, इस बार मैं आपको ना समझाने की गारंटी दूंगा। ओके आई जो आएगा, आई इज इक्वल टू जो आएगा आपका, आई जो होता है हमारा वो क्या है, गैप बिटवीन इंटरवल और डिस्टेंस बिटवीन इंटरवल, डिस्टेंस बिटवीन इंटरवल,
तो आपको ये तो समझ आ गया होगा बेटा, जब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियम, तो उस केस में हमारे पास क्या होनी चाहिए सीरीज, जो भी आपके पास सीरीज होगी वो कौन सी सीरीज होगी, एक कंटिन्यूअस सीरीज होगी, उसी के केस में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वरना नहीं, क्योंकि तभी आपके पास में एक डिस्टेंस बिटवीन इंटरवल होगा और तभी आपके पास में ये सारी चीजें होंगी, लोअर लिमिट वगैरह ये सब चीजें। ओके, आप एक बार फॉर्मूला नोट कर लें सभी। चलिए तो अब देखिए फॉर्मूले में लोअर लिमिट एल कैलकुलेट करने की जरूरत है, एल क्या होगा, अब देखिए लोअर लिमिट तो हमारे पास बहुत सारी है, आप देख सकते हैं सारी की सारी हमारी लोअर लिमिट है ना, तो किसकी वैल्यू हम चूज करेंगे वो अब आपको बताएगा क्या, जो टर्म हम कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताएगा कि एल की वैल्यू क्या होगी और सी एफ पी की वैल्यू क्या होगी, और जो भी है आपका आई की वैल्यू तो आपका फिक्स है, वो तो कॉन्स्टेंट रहेगी हर किसी के लिए। ओके चलिए भाई, तो सबसे पहले हम टर्म कैलकुलेट करेंगे, टर्म जो होगा देखिए इसका फॉर्मूला आप ध्यान से रखें बेटा, यहाँ पे जो टर्म होगा इस केस में, जब भी आप देखिए फाइव स्टार लगा लो यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा अलग है थोड़ा सा पहले वाले से, ध्यान से करना बेटा, पहले हमने जो टर्म कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया था वो जो था आपका कैसा था, उस फॉर्मूले में आप टर्म जो यूज करते टर्म कैलकुलेट करते थे ना वो एन प्लस वन अपॉन टू से कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो है हमारा एन अपॉन टू टर्म। ओके, एन अपॉन टू टर्म होगा, ना कि एन प्लस वन अपॉन टू टर्म होगा, ध्यान से। ओके तो इस केस में जब भी आप क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए आप जब भी मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए जो टर्म कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे जो टर्म होगा वो एन प्लस वन अपॉन टू ना होके एन अपॉन टू टर्म कैलकुलेट करेंगे। ओके बात समझ आ गई सभी को, ये इसका रूल है। ओके तो अब मेरे को ये बता दीजिए बेटा, समेशन ऑफ, अच्छा अभी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट नहीं की, तो देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए क्या होगी, थ्री, थ्री प्लस टू इज इक्वल टू सेवन, सेवन प्लस फोर इज इक्वल टू जो आएगा आपका क्या आएगा बेटा इलेवन, और इलेवन प्लस वन इज इक्वल टू ट्वेल्व, तो आप देख सकते हैं ये ट्वेल्व जो आया आपका वो हमारा समेशन ऑफ एफ के इक्वल है, जब आप इन्हें ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसीज को तो वो समेशन ऑफ थ्री प्लस टू फाइव होता है क्या बेटा, थ्री प्लस टू फाइव प्लस का फाइव, यस सर, क्या था प्लस का थ्री प्लस टू सेवन लिख दिया आपने, थ्री प्लस टू सेवन लिख दिया, अच्छा ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें मैंने थ्री प्लस टू सेवन, अरे हाँ सही कहा आपने, मैंने बिल्कुल गलत लिखा यहाँ पे टू प्लस, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए बेटा ये जो है हमारा वो फाइव के इक्वल होगा, सही कहा आपने सृष्टि, तो यहाँ पे जब फाइव होगा तो ये सेवन की जगह हमारा फाइव होगा, अब फाइव होगा तो ये हमारा नाइन बन जाएगा, और नाइन बन जाएगा तो ये हमारा कितना होगा भाई, अब ये नाइन आ जाएगा इलेवन की जगह तो ये हमारा आ जाएगा टेन के इक्वल। ओके तो ये आ गया टेन, बात समझ आ गई सभी को, ये हमारा टेन के इक्वल आ गया है, समेशन ऑफ एफ हमारा टेन के इक्वल आ चुका है, और इसी को तो हम कहते हैं क्या बेटा, एन ही तो कहते हैं इसको, तो एन की वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो देखिए टर्म जो हम कैलकुलेट करेंगे, एन की वैल्यू अगर हम टेन रखें अपॉन टू इज इक्वल टू फाइव आ गया, यानी फिफ्थ टर्म। आप इसे कहाँ पे वेरीफाई करेंगे बेटा, आप इसे वेरीफाई करें, वेरीफाई कहाँ करेंगे, वेरीफाई दिस इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फिर फाइव कहाँ आ रहा है, यही तो आ रहा है आपका फाइव भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपका जो फाइव आ रहा है वो यही तो आ रहा है, थ्री प्लस टू, यानी थ्री में जब टू ऐड करेंगे तभी फाइव आता है हमारा, अगर इसके बीच में देखिए अगर आपकी टर्म की वैल्यू 4.5 आती है तो भी यही आता, 5 आती है तो भी यही आएगा, अगर 6.5 आती तो वो हमारा इसके लिए होता, क्योंकि 5 से बड़ा है 6.5, तो 5 से लेके अगर हम 4 स्टेप्स तक आगे बढ़ेंगे तो उस बीच में हमारा क्या आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। ओके
तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो बेटा, अगर आपके पास फिफ्थ टर्म के लिए कहा है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप वेरीफाई करेंगे कि आपका फाइव कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आया हमारा यहाँ पे इतना, सही है। तो बॉक्सेस आप देखें, मैंने यहाँ पे जो बॉक्स बनाया है उसमें आप देखें बेटा लोअर लिमिट हमारी किसके इक्वल है। आप देखें जो आपके पास क्या है बेटा, क्लास इंटरवल है, उसमें लोअर लिमिट क्या है 10। आप देख रहे हैं 10 इज द लोअर लिमिट, तो L की वैल्यू जो होगी यहाँ पे हमारी 10 है। L इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 10, ठीक है। N की वैल्यू आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, N इज इक्वल टू आपका 5 के नहीं 10 के इक्वल आ गया है, N इज इक्वल टू 10 है। अब आपको सी एफ पी निकालना है, तो इसका मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए बेटा यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो आपकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 5 के इक्वल है। और इससे पहले वाली कौन सी है, ध्यान दें, इससे पहले वाली जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 3। तो ये हमारी प्रीवियस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, यानी सी एफ पी की वैल्यू जो होगी आपकी वो 3 के इक्वल होगी, अंडरस्टैंड। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, सी एफ पी की वैल्यू जो आ गई आपके पास वो 3 के इक्वल आ चुकी है। एफ आप जानते हैं, एफ जो है आपका वो क्या होगा, अब देखिए बेटा एफ जो है आपका इसी में समेशन ऑफ एफ नहीं है, सिर्फ एफ है, तो इसी में बताओ इस बॉक्स के अंदर जो आपका एफ है वो कितना है 2 के इक्वल, तो एफ की वैल्यू जो होगी आपकी वो 2 के इक्वल होगी। तो एफ जो होगा इस बार हमारा आया एफ इज इक्वल टू 2, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 है, ओके। बात समझ आई सभी को, अब एफ आ गया, आई आपके पास ऑलरेडी है, आई जो है हमारा वो आई इज इक्वल टू 10 होगा, वो सभी के लिए सेम, ओके। तो आपके पास देखिए बेटा जो भी फॉर्मूले में वैल्यूज आ रही हैं, फॉर्मूले में हमें किसकी जरूरत पड़ी, लोअर लिमिट, एन की वैल्यू और सी एफ पी की वैल्यू और साथ ही साथ एफ की वैल्यू और साथ ही साथ आई की वैल्यू, और सारी वैल्यूज आपके पास हैं। अगर ये सारी वैल्यूज हैं तो आप ये अब रख नहीं सकते, रख के बताओ जल्दी से सभी अपने आंसर, तो मुझे मीडियन क्या आएगा, मीडियन कैलकुलेट करें आप सभी, वैल्यू रखें और मीडियन कैलकुलेट करें जल्दी से फटाफट से। 20 आ रहा है, बहुत बढ़िया, एकदम राइट आंसर बताया महक, 20 ही इसका आंसर है, यानी जो मीडियन आएगा आपका वो 20 ही आएगा। सभी कैलकुलेट करके देखें, ये सारी वैल्यूज आप फॉर्मूले में रखें और आपका आंसर 20 के इक्वल आएगा, ओके। चलिए बेटा अब जो हम आगे बातें करने वाले हैं वो बातें करेंगे हम किसके ऊपर, देखिए देखिए मीडियन हमारा अब ग्राफ मेथड की हेल्प से बचा हुआ है। इसमें क्या, मीडियन हम जो कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सॉल्व करेंगे, तो एक बस लास्ट टॉपिक बचा है इसमें मीडियन कैलकुलेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो एक तो क्वार्टाइल्स डेसाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और साथ ही साथ परसेंटाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम उससे आगे करने वाले हैं, ओके। मीडियन हम एक तरीके से और कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्वार्टाइल्स डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, ओके। चलिए बेटा अब हम कल की क्लास में मिलते हैं, कल हमारी क्लास होगी बेटा थर्सडे में, क्लास हमारी ऑफ नहीं है इस बार, ओके, क्योंकि आपकी मंडे में एक छुट्टी हो चुकी थी, थर्सडे में मैं एक क्लास लेके आ रहा हूँ, ओके बेटा बाय बाय।